वार्ड नंबर 47 में वाइल्ड लाइफ विभाग की ओर से बंदरों को पकड़ने के लिए जंगले लगाए गए हैं। जिस संबंध में जानकारी देते हुए वार्डवासियों ने कहा कि वार्ड में बंदरों का कहर उन्हें परेशान किए हुए है, जिसके चलते वो अपने सामान को बाहर तो छोड़ना, दूर दरवाजे तक भी खुले नहीं रख सकते, क्योंकि बंदर उन्हें हर समय नुकसान पहुंचाते रहते हैं। यही कारण था लोग बार बार जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप बुधवार को वाइल्ड लाइफ के कर्मचारी वहां पहुंचे और बंदरों का जमावड़े को पकड़ने के लिए उन्होंने जंगले लगाए ताकि लोगों को राहत हो। मैं रश्मि मल्होत्रा, और बहुत ज्यादा इन्होंने कदर पाया है। मौकियां तो असी काफी सालों तो बहुत परेशान है। मेरा दुपट्टा लै गए और दूसरे घर विच जाके उथे गुंगण निकाल के पता नहीं की डांस करते पे सी, और मेरे हसबेंड की टांग विच उन्होंने जख्म कर दिता, और आए दिन फ्रिज खोलन दे आके और फ्रूट वगैरह सब यही खा जाते हैं। धन्यवाद। अभ्यास है नहीं, अज प्रॉब्लम काफ़ी दिनों तो वैसे आ रही थी इतने कि मौकी आ रहे ने इस गांधीनगर विच। पहला भी असं इतने एक बार पिंजरा लगाया सीगा, तो उस टाइम पर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने पर ही असं इतों अपना पिंजरा कैरी किया। दोबारा भाजी उन्हों का फोन आया कि इतने प्रॉब्लम आ रही है, तो असं तुरंत उस अकॉर्डिंग अपने DFO साहब, मानयोग DFO साहब राजेश महाजन जी, उन्होंने हुक्मों की पालन करते हुए अज तुहाडे कोल दोबारा असं पिंजरा इतने लगा दिता है। पर मेरी एक सारे अगे रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट यह है कि जिदा असं आए हाँ, असं इतने आ के वेख्या वा कि गली विच काफ़ी जगह पर उन्होंने सब्जी कुछ ना कुछ डालिया होया, जिमें कोई फ्रूट्स है या कुछ ना कुछ, ये चीज़ा अवॉइड होनिया चाहिए। ये अवॉइड होएगा तो एक तरह का मतलब साडा भी मिशन सक्सैसफुल होएगा, क्योंकि साड़ी हैल्प असी तो तुहाडे लई हर टाइम हैल्प लई तैयार हाँ, पर गल ए है कि तुहाडे वल्लों साडी 70% हैल्प तुसीं साडी कर सकदे हो। वो इसे करके है कि जे तुसीं खाना पीना बाहरों बंद कर दो, ये चीज़ा बंद हो जाए तो आटोमैटिकली यह जो जानवर है कभी भी इस एक जगह पर नहीं रुकता, यह परमानेंट एक जगह का रेजिडेंट नहीं है, मूव करता रहता है। यह तो ही है कि जे तुसीं साडी हैल्प कर दोगे, तो यही थानू सारे अगे तुहाडे राही बेनती है कि सारिआं नू यही कहो कि काइंडली कोई भी इन्हां नू समान ना पाए, तो इस करके साडा जिहड़ा पिंजरा हैगा असी लगाया, जो भी असी पाया वो उस करके उत्थे आणगे, नहीं तो अगर उन्हें बाहरों सब कुछ मिल गया वो डेफिनेटली अंदर नहीं आणगे। काइंडली यह रिक्वेस्ट है तो इस चीज़ में थोड़ा मैटर करो। हाँ जी, सब तो पहला मैं दसा कि मैं रिटायर्ड परसोनल एजुकेशन डिपार्टमेंट तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता थोड़े सारे का, तुम प्रेस वाले का और खास करके वाइल्ड लाइफ तो आए हुए फॉरैसट डिपार्टमेंट के विंग के सैनी साहब जी, के देर आए दुरुस्त आए, बड़ी देर बाद ही याद आया है कि आप बंदरों का खास करके इतने ज पशुआ का होर भी बड़ा तांडव रोज़ ही होंदा रहिंदा, कई दे वड्डे वड्डे पशु जिहड़े ने कई बंदे नूं जख्मी भी कर चुके ने, ते बांदरां दा ते आउणा जाणा घर दे विच बेइंतहा है, हैं काफ़ी समय तो मंग भी सी, एक बारी पिछली बारी भी कोई थोड़ी समय पहलां आए सी, फिर मुड़ के उठा के लै गए, पता नहीं उहदा कारण की मैनूं रहा कि क्यों लै गए की नहीं। तो बड़ी खुशी की गल है कि ये तो निजात मिलेगी इस महल्ले वालिआं सारिआं नूं, भावें आउंदे राह इहो पास जी इही है बांदरां दा, ते बड़ी दूर तक जांदे ने, गांव भी अगे दूजे महल्ले भी चल जाते हैं, उत्थे भी तांड पूरा मचाते हैं, करो करी समान चुक के लै जाना, कईयां दा नुकसान करना, मेरे घर दे विच नहा के जाते हैं, उत्ते मेरी झांकी है खोल लेंगे ने, खोल के नहाते बड़ी मजेदार, हुण नहाना शुरू कर देना उन्हें और दोवां जो दिनां नूं, ते नहा के जाते हैं बड़ी फस्ट क्लास जी, ते मैनूं भी खुशी हुंदी है भी चलो असीं विंग ते इहो ही आ, साडा भी उत्पत्ति इहनां तों ही होई आ, जे मानव जाति दे लोक समझण विश्वास करन ते, तो मैं धन्नवाद करूँगा बहुत बहुत, पर भी बरकरार रखियो एक कंप्लीटनैस से जायो, ये ना हो भी दो चार बंदर फड़ ले रहे तो मुड़ के आवे ही कोई इन्होंने चुक के लै जाओ, है सैनी साहब खात्मा हो, निजात मिले, निजात उर्दू का लफज बड़ा वधिया लफज वरत्या, मैनू महल्ले वाले निजात दो आयो फ्रॉम मौंकी विंग ऑफ द सोसाइटी।